राजस्थान प्रांत की भक्ति, शक्ति, वीरता और बलिदान के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ का सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम, श्री सांवलिया जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति भदेसर के मंडफिया गांव में स्थित है। यहां साल भर देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते रहते हैं। किंवदंतियों के अनुसार मीराबाई इन्हीं मुरलीधर की पूजा किया करती थी। आइए आज जानते हैं मंदिर का पूरा इतिहास और कुछ चमत्कारी किस्से, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान श्री सांवलिया जी की इस चमत्कारी मूर्ति के ऐतिहासिक तथ्यों और जन श्रुतियों के अनुसार मेवाड़ के अधिपति राणा संग्राम सिंह की बाबर से लंबे युद्ध के बाद विक्रम संवत 1584 में मृत्यु हो गई। मीराबाई के सांसारिक पति भोजराज भी विवाह के बाद 7-8 वर्ष तक जीवित रहे। उनके माता पिता का भी निधन हो गया और मीराबाई अकेली रह गईं। उसी समय साधु संतों का एक दल देश के विभिन्न भागों से भ्रमण करता हुआ मेवाड़ क्षेत्र में पहुंचा। इन साधुओं की मंडली के पास गिरधर गोपाल श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियां थीं। जमात द्वारा प्रतिदिन इन मूर्तियों की पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ पूजा की जाती थी और भजन कीर्तन होते थे, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते थे। चित्तौड़ के पास बेडच नदी के तट पर एक रमणीय हरे भरे स्थान पर श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियों के साथ इस जमात के आगमन और पड़ाव पर आसपास के क्षेत्रों से असंख्य भक्त उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े और वे भजन कीर्तन के साथ आनंद मनाने लगे। संयोगवश भक्तिमती मीरा को भी इसी जमात में सत्संग का अवसर मिला। जमात में श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियों में से एक ने मीरा का मन मोह लिया। वह इन मनमोहक सांवलिया जी की मूर्ति को निहारती रही, वीणा बजाती रही, नाचती रही और भजन गाती रही। संतन धींग बैठ बैठी लोकलाज खोई। चलते चलते वह वृंदावन चली गई, जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार वह द्वारका गुजरात चली गई, जहां भक्ति रस की धारा बहाते हुए वह भगवान श्री द्वारकाधीश में विलीन हो गई। इधर मीरा को मंत्रमुग्ध कर रही सांवरिया जी की छोटी मूर्ति सहित 4 मूर्तियों को लेकर साधु संतों का वह समुदाय भ्रमण करता रहा। ये 4 मूर्तियां दयाराम नामक साधु की टोली के पास थीं। समय बीता, महीने बीते, साल बीते इत्यादि। जब बादशाह औरंगजेब को भी इन मूर्तियों के बारे में पता चला तो उसकी सेना ने हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया और मूर्तियों को तोड़ दिया और खंडित होकर चित्तौड़गढ़ तक आ गया। इन 4 मनमोहक मूर्तियों की रक्षा के लिए संत दयाराम की टोली को आगे आता देख और औरंगजेब की मुगल सेना को उनका पीछा करते देख भगवान की प्रेरणा से दयाराम की टोली भातसोड़ा के पास बागुंड गांव के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे 10-15 फीट गहरा गड्ढा खोदकर 4 मूर्तियों को उसमें रख दिया गया और मिट्टी से भरकर साधुओं ने उस स्थान पर धूनी जमा ली और भजन कीर्तन में लग गए। मुगल सेना आई लेकिन मूर्तियां नहीं ढूंढ पाई और आगे बढ़ गई। मूर्तियों को सुरक्षित मानकर जमात वहीं डेरा जमाए रही, भजन कीर्तन होता रहा। बाद में जमात के मुख्य महंत का निधन हो गया। बाद में अन्य संत भी एक एक करके वहां से चले गए, लेकिन 4 मूर्तियां बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में सुरक्षित रहीं। किंवदंतियों के अनुसार लगभग 250 साल पहले मंडफिया गांव के निवासी भोलीराम गुर्जर नामक एक चरवाहे को सपना आया कि बागुंड गांव के छापर में स्थित एक बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में 4 मूर्तियां दबी हुई हैं। भगवान की प्रेरणा के अनुसार उक्त भोलीराम गुर्जर ने गांव में जाकर मंडफिया के निवासियों को बताया और गांव मंडफिया के निवासियों का एक समूह जाकर बागुंड के ग्रामीणों से मिला। जब भोलीराम गुर्जर को सपने के बारे में बताया गया तो अचानक किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी दोनों गांवों के लोग भोलीराम गुर्जर के बताए स्थान पर पहुंच गए। उसी समय गांव भातसोड़ा के लोगों को भी सूचना मिल गई। गांव भातसोड़ा के लोग भी पहुंच गए उक्त स्थान। तीनों गांव के लोगों की मदद से उक्त स्थान की खुदाई की गई तो जमीन से 10-15 फीट नीचे 4 मूर्तियां मिली तो वहां मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए। सपना सच हो गया। उपस्थित लोग हर्ष से भर उठे। उपस्थित जनसमूह ने श्री सांवलिया जी के जयकारे लगाए। इन 4 मूर्तियों में से एक मूर्ति गड्ढा खोदते समय टूट गई, जिसे उसी गड्ढे में रख दिया गया, जबकि शेष 3 मूर्तियों को प्राकट्य स्थल से बाहर निकाल लिया गया। आपस में विचार विमर्श करने के बाद इन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति को प्राकट्य स्थल बागुंड में तथा दूसरी मूर्ति को ग्राम भातसोड़ा में तथा तीसरी सुंदर मूर्ति को ग्राम मंडफिया के निवासियों ने बड़ी धूमधाम से स्थापित किया। धाम सहित श्री सांवलिया सेठ के जयकारे लगाते हुए मंडफिया लेकर आए। श्री सांवलिया जी की मूर्ति को अस्थायी तौर पर परेंडे स्थित भक्त भोलीराम गुर्जर के घर में स्थापित किया गया था। मंडफिया गांव में भक्त भोलीराम के घर में
अस्थाई रूप से श्री सांवलिया जी की वही मूर्ति रखी हुई है जिसने भक्त मीरा का मन मोह लिया था और जिसे देखकर वह आनंदित होकर नृत्य करती थी। वह भजन कीर्तन करती थी। विक्रम संवत की 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भक्त मीरा को मोहित करने वाली सांवलिया जी की मूर्ति के चमत्कारों की गाथा धीरे धीरे फैलने लगी। यह मंडफिया क्षेत्र की सीमा को पार कर दूर दूर तक फैलने लगा और इसे देखने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। लोगों के बीच इसे एक चमत्कारी मूर्ति के रूप में स्वीकार किया गया। दिन ब दिन प्रभु श्री सांवलिया जी के दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या के कारण ग्राम मंडफिया एवं आसपास के 16 गांवों के प्रमुख भक्तों से चर्चा कर इस चमत्कारी मूर्ति को भक्त भोलीराम गुर्जर के परिंदा से हटवाकर पूर्ण धार्मिक अनुष्ठान किया गया। बाहर पूजा अर्चना के बाद भक्त भोलीराम के घर के पास एक कुएं के पास कच्चा मंदिर बनाकर शुभ मुहूर्त में स्थापित किया गया। मंदिर की आय एवं कार्य के विस्तार को देखते हुए वर्ष 1956 में श्री सांवलिया जी मंदिर प्रबंधकारिणी समिति का पंजीकरण कराया गया। ग्राम मंडफिया सहित आसपास के 16 गांवों के 65 सदस्यों को लेकर एक ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट के गठन के साथ ही मंदिर की आय में भारी वृद्धि होने लगी। भक्तों की संख्या में वृद्धि के कारण 1961 में कच्चे केलुपोस मंदिर के स्थान पर एक विशाल पक्का मंदिर का निर्माण कराया गया। वर्ष 1980-86 में इस विशाल पक्के मंदिर में कांच का बेहद खूबसूरत और आकर्षक काम किया गया था। 1956 से 2 दिसंबर 1951 तक इस मंदिर की देखभाल प्रबंधन समिति द्वारा की गई और कई विकास कार्य किए गए। श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल की आय में वृद्धि तथा कार्य विस्तार तथा श्रद्धालुओं के आगमन की गति से ऐसी स्थितियां निर्मित हुई जिसके फलस्वरूप 3 दिसंबर 1991 को राजस्थान सरकार द्वारा श्री सांवलिया जी मंदिर का अधिग्रहण कर लिया गया। बोर्ड की स्थापना श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल मंडफिया के नाम से की गई थी। श्री सांवलिया जी के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं के बढ़ते आवागमन के कारण मुख्य मंदिर एवं आसपास का परिसर अत्यंत संकीर्ण प्रतीत होता है तथा दर्शनार्थियों की सुविधा एवं सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 1996 में तत्कालीन मंदिर बोर्ड प्रबंधन के सहयोग से नगर नियोजन विभाग उदयपुर ने मंदिर विस्तार और परिसर विकास शुरू किया। योजना की रूपरेखा तैयार की गई और भूमि अधिग्रहण के बाद प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया गया और 3,34,00,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। अधिग्रहण के बाद गुजरात के अक्षरधाम की तर्ज पर एक भव्य नए मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2000 से शुरू हुआ, जिस पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव हुआ। श्री सांवलिया जी में वर्ष भर विभिन्न पारंपरिक धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया जाता है, मुख्य रूप से जन्माष्टमी, जलझूलनी एकादशी, 3 दिवसीय विशाल मेला, दिवाली और अन्नकूट देवउठनी एकादशी, निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, होली, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि आदि त्योहारों का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ भव्य तरीके से किया जाता है। हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्री सांवलिया सेठ का भंडार दान पेटी खोला जाता है तथा हर माह अमावस्या को महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। श्री सांवलिया जी के भंडार से प्राप्त आय की राशि न केवल मंदिर निर्माण और धार्मिक कार्यों पर खर्च की जाती है, बल्कि इस आय का एक बड़ा हिस्सा जनकल्याण कार्यों जैसे मंदिरों, संपर्क मार्गों, पेयजल, रोशनी और स्कूल भवनों के निर्माण पर भी खर्च किया जाता है। 16 संबद्ध गांवों में धार्मिक उत्सवों आदि के आयोजन पर व्यय होता है। विशाल निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है, निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है तथा गरीब एवं पिछड़े वर्ग के गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। विशाल गौसेवा सदन के संचालन पर बड़ी धनराशि खर्च होती है। मंडफिया गांव में विशाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, महाविद्यालय भवन, उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन, उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन, विशाल श्री सांवलिया जी बस स्टैंड, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भवन आदि का निर्माण कराया गया है। जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ की श्रेणी में रुपये का अनुदान, सरकारी सार्वजनिक अस्पताल के निर्माण कार्य के लिए 2.5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया तथा असहाय लोगों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रभु श्री सांवलिया सेठ के चमत्कारों के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं और कई लोग आज भी कई चमत्कारों के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मौजूद हैं। प्रभु श्री सांवलिया के गर्भगृह के पास दाहिनी ओर दक्षिण दिशा में एक कुआं आज भी स्थित है जिसे घी कुआं के नाम से जाना जाता है।
गांव के कई बुजुर्ग और कई प्रबुद्ध लोग अपनी कहानियां सुनाते रहते हैं कि एक बार अन्नकूट के दिन मालपुआ बनाने के लिए अन्य सभी आवश्यक सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में थीं, लेकिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने के कारण घी कम पड़ गया। भक्त भोलीराम के प्रयास के बाद भी आसपास घी उपलब्ध नहीं हो सका। परिवहन के साधनों के अभाव के कारण तुरंत बाहर से घी प्राप्त करना भी संभव नहीं था। इससे पहले कि भोलाराम श्री सांवलिया सेठ को पुकारता, दरवाजे पर खड़े एक बहुत बूढ़े सज्जन ने भोलाराम से पूछा कि इतना परेशान और घबराया हुआ क्यों है। भोलाराम ने अपनी परेशानी का कारण बताया। इस पर वृद्ध ने प्रेरणा दी कि पास के कुएं से आवश्यकतानुसार पानी निकाल लेना और व्यवस्था हो जाने पर उतना ही घी वापस उसी कुएं में डाल देना। भोलाराम ने वैसा ही किया। कुई का पानी कढ़ाई में गिरते ही घी बन जाता था और आवश्यकतानुसार मालपुए बन जाते थे। सानंद अन्नकूट का अनुष्ठान संपन्न हुआ। प्रेरणा देने वाले सभी लोग उस वृद्ध को ढूंढने लगे, परंतु उसका कहीं पता न चला। यह प्रभु श्री सांवलिया सेठ का मायावी चमत्कार ही था कि वे बूढ़े व्यक्ति के वेश में भोलाराम की समस्या का समाधान सुनकर चमत्कारी मूर्ति में विलीन हो गए। इस चमत्कार से भी बड़ा चमत्कार तब देखने को मिला जब भोलाराम ने घी की व्यवस्था करने के बाद कुएं में फिर से उतना ही घी डाल दिया जितना बूढ़े ने बताया था। कुएं में डाला गया घी पानी पर तैरने के बजाय पानी में मिल गया। प्रभु श्री सांवलिया सेठ के चमत्कारों में से एक इस कुएं को नए भव्य मंदिर निर्माण की योजना में भी सुरक्षित एवं सुरक्षित रखा गया है। वर्ष 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह शेखावत ने श्री सांवलिया जी मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण में भाग लेकर मंडफिया में पदार्पण किया था। प्रभु श्री सांवलिया जी सेठ के दर्शन दोपहर 12 बजे से 2-3 बजे तक बंद रहते हैं। मुख्यमंत्री ने दर्शन की इच्छा जताई, उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे। आनन फानन में पुजारी को बुलाया गया। मंदिर के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ने का प्रयास किया गया। काफी प्रयास के बाद भी गर्भगृह का ताला नहीं खुल सका, लेकिन रात 2:00 बजे जैसे ही उसी चाबी से ताला खोला गया, यह चमत्कार देख उपस्थित दर्शनार्थी जयकार करने लगे। माननीय शेखावत साहब भी इस गरिमामय चमत्कार से अभिभूत हो गए और प्रभु श्री सांवलिया सेठ के दर्शन करने के बाद ही आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किए। प्रभु श्री सांवलिया सेठ के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास एक दान पेटी रखी हुई है, जिसके पास खड़े होकर हम भगवान के दर्शन करते हैं और अपनी इच्छानुसार उपहार पेटी में पैसे आभूषण डालते हैं। प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को राजभोग आरती के बाद हजारों भक्तों और आगंतुकों, मंदिर बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों की उपस्थिति में दान पेटी खोला जाता है। मंदिर के मध्य में बने मंडप में दान पेटी से निकाले गए धन को ढेर करके छांटा जाता है और गिना जाता है। जब से प्रभु श्री सांवलिया सेठ के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से राजकोष दान पेटी से निकलने वाली राशि धीरे धीरे बढ़ती गई है और 1 माह में यह राशि 1 करोड़ रुपये से भी अधिक निकल जाती है। इस वृद्ध को देखते हुए प्रभु श्री सांवलिया सेठ के द्वार के पास लगभग 5 करोड़ की राशि एकत्रित करने की क्षमता वाला 125 किलो का भव्य एवं कलात्मक चांदी का भंडार दान पेटी स्थापित किया गया है। श्री सांवलिया सेठ के खजाने में बढ़ती हुई धनराशि इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान श्री सांवलिया सेठ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और अपने चमत्कारों से भक्तों की भक्ति को पोषित करते हैं। श्री सांवलिया जी का भंडार अनोखा है। जितना पैसा बढ़ता है, खर्च उतना ही कम होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।